के पालनहार विष्णु जी को याद करने का दिन, आज है गुरु बृहस्पति और गुरु ग्रह को प्रसन्न करने का दिन। आज माँ लक्ष्मी और उनके परमेश्वर विष्णु जी मिलकर आपकी किस्मत का रास्ता खोलेंगे, आपको मालामाल बनाएंगे। और हाँ, आज भी मैं आपको भगवान विष्णु से जुड़े बड़े मंदिरों के तीर्थ स्थानों के दर्शन कराती रहूंगी। आपके साल भर की शुभ शुरुआत हो, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। आज आपसे 2017 के गुरुवार की नई शुरुआत हो रही है। ज्ञान, प्रतिभा और वैभव लक्ष्मी का स्वामी है बृहस्पति। तो आप अगर अपना वैभव बढ़ाना चाहते हैं, एक महामंत्र नोट कर लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जितना हो सके इस साल जाप करें, इससे गुरु ग्रह आपका सारा साल शुभ रिजल्ट देंगे। अभी गुरु की बहुत सारी जानकारी और उपाय और मंत्र भी आपको आगे बताऊंगी, तो शुरुआत करते हैं। जय 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 व्यापक भगवंता, मेरे कंत राशि गुरुवंता, स्थिर शांत में पाक विशाला, एक समान पूरम वाला। आज साल का पहला गुरुवार है, विष्णु जी का दिन है, और आपको तो पता है लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए अगर आप दोनों को एक साथ प्रसन्न कर लेते हैं तो क्या कहना, विष्णु जी आपका उद्धार करेंगे और लक्ष्मी जी मारामार करेंगी, यानी कि डबल लाभ। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का बड़ा सा चित्र घर में रहना चाहिए। शालिग्राम की रोज पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से आप उस जगह को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और चंदन आदि लगाकर उनकी पूजा की जानी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी मंदिर में हर फ्राइडे को लाल रंग के फूल अर्पित किए जाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत यानी कि तेल का दीपक जलना चाहिए। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर आप सिक्का या मेहंदी का पैकेट गिफ्ट कर सकती हैं। जैसे आपने हथेली पर मैंने आपको दिखाया था कि शिव जी का प्रतीक क्या होता है हमारी हथेली पे, त्रिशूल। मैंने आपको दिखाया था हाथ में कहाँ त्रिशूल होता है तो क्या होता है, वैसे ही विष्णु जी के हाथ में क्या होता है, सुदर्शन चक्र। तो विष्णु जी का क्या प्रतीक होगा, चक्र। अब चक्र आपके हाथ में कहाँ होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। जरा आपने दोनों हाथ की फटाफट फिंगर टिप चेक कीजिए, ऐसे देखिए कि आपके कितनी फिंगर्स पे चक्र बनते हैं। जरा चेक कीजिए फटाफट, ऐसे चक्र। अगर आपके दोनों हाथ की 10 उंगलियों पर चक्र बनते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसको बोलते हैं चक्रवती। आपके पीछे लोग छाता लेकर खड़े होंगे। और फिर देखिए कि किस हाथ में ज्यादा चक्र है, राइट में कि लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में चक्र ज्यादा है तो इसका मतलब आपको ईश्वर की देन है, आप ईश्वर की देन है कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर राइट हैंड में है ज्यादा और लेफ्ट में कम है तो इसका मतलब आपको अपनी मेहनत से बनाने पड़ेंगे। अब जिस फिंगर में चक्र है उस फिंगर के जरिए पता चलता है कि आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त है, और उस फिंगर से ये पता चलता है कि आप में ये क्वालिटी इनहेरिटेड है। जैसे अगर आपके थंब पे चक्र है तो इसका मतलब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको फायदा देगी। इंडेक्स फिंगर में है तो आपको धर्म का काम करना चाहिए। आपके मिडिल फिंगर में है तो आपको अपने अहम से बचना चाहिए। आपके रिंग फिंगर में है तो आप ना चाहते हुए भी फेमस रहेंगे। और आपकी लिटिल फिंगर में है तो पैसा आपसे कभी दूर नहीं रहेगा। जरा चेक कीजिए कितने विष्णु के निशान हैं आपके हाथ पर। गुरुवार का दूसरा महा उपाय जानिए। क्या आपकी शादी नहीं हो रही है तो गुरुवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु का दोष होगा तो हर गुरुवार को शिव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। बृहस्पति महाभिषेकम् शुद्ध चंदनम अभिषेकम् क्षीर शीर दधि अभिषेकम् केसर युक्तम अभिषेकम्। साल का पहला गुरुवार और आपसे देवताओं के गुरु बृहस्पति की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दिन पूजा करने से धन, विद्या, बच्चे और मन चाहा फल और वर भी मिलता है। आपको पता है गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। जल्दी शादी के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। आपको पता है गुरुवार वाले दिन
व्रत करने के लिए सुबह उठकर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली चीजें, पीले फूल, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल, हल्दी चढ़ाकर किया जाता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनक्का चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें। दिन में एक समय का भोजन करें। खाने में चने की दाल या पीली चीजें खाएं, नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुनानी चाहिए। बृहस्पति देव गुरु की प्रसन्नता के उपाय आपको जान लेने चाहिए। सबसे पहले बड़ों का सम्मान करें, यानी कि जो जिन लोगों से आप एडवाइस लेते हैं उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। चने की दाल और केसर का मंदिर में दान करें। केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। ज्ञान वर्धक पुस्तकों का योग्य व्यक्तियों को दान करें, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं को दान करें। भगवान ब्रह्मा की केले से पूजा करें। कोई पुरोहित का सम्मान करके आशीर्वाद ले और जितना हो सके उतना दान करें। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या इस साल प्रमोशन पाना चाहते हैं? प्रमोशन अटका हुआ है तो आप वीरवार का व्रत रखें और इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करके आपको सत्यनारायण की कथा सुननी है। मैंने आपको शो पर पहले भी बताया था, उसी तरीके से आपको करना होगा। गुरु से जुड़ी पीली चीजों का दान करें, जैसे कि चने की दाल, सोना, हल्दी, आम, केले। इस तरह से करें, आम, केले इस तरह से करेंगे, प्रमोशन मिल जाएगा। साल का पहला गुरुवार है। अब जरा आपसे गुरु ग्रह की बात भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये ग्रह आपकी जिंदगी पर बहुत असर डालता है और अगर आप इस ग्रह को ठीक रखेंगे तो जिंदगी की बहुत सी उलझनें अपने आप दूर हो जाएंगी। जिन लोगों की कुंडली में गुरु का प्रभाव ज्यादा होता है वो टीचर, वकील, जज, पुरोहित, विद्वान, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आ जाते हैं। सोने का काम करने वाले सुनार, किताबों की दुकान, मेडिसिन की दुकान वाले लोग, लाइब्रेरी, प्रिंटिंग मशीन, ये सब गुरु के अधिकार की चीजें हैं। आपकी पढ़ाई, धर्म, एनर्जी, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, विरासत, परंपरा, पद और सिद्धि भी गुरु का ही देन है, मतलब इन्हीं के अंदर आती है। आपको पता है गुरु ग्रह से प्रभावित लोग हष्ट पुष्ट या थोड़े मोटे हो सकते हैं, इनका शरीर बड़ा हो सकता है, ये झूठ आसानी से नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार घुमा कर बात करते हैं। इनका गुस्से पर पूरा कंट्रोल होता है। ये झूठी तारीफ दिखाने से दूर रहते हैं और धर्म के काम में रुचि रखते हैं। यही कारण है कि गुरु ग्रह जिसको देखेगा वो भी बलवान हो जाएगा और प्राप्त ग्रह के साथ होने पर जो झूठे ग्रह हैं उनकी ताकत भी बढ़ा देगा, जैसे भ्रष्ट नेता, सोने का स्मगलर, रिश्वतखोर अधिकारी, सिद्ध पुरुष बना सकता है, ये सब कर सकता है। बृहस्पति ग्रह के अशुभ लक्षण क्या है? सिर पर चोटी के स्थान से बाल उड़ जाते हैं, ये एरिया क्राउन का खाली हो जाता है। गले में माला पहनने की आदत डाल लेता है इंसान। सोना खो जाए या चोरी हो जाए, बिना कारण शिक्षा रुक जाए, आपके अच्छे रिलेशनशिप में अफवाहें उड़ जाती हैं, आंखों में तकलीफ होना, मकान और मशीनों की खराबी, बेकार के दुश्मन पैदा होना, धोखा होना, सांप के सपने आना, सांस या फेफड़े की बीमारी होना, गले में दर्द होना, ये सारे बृहस्पति ग्रह के अशुभ लक्षण हैं। अब शुभ लक्षण भी आपको बता देती हूँ। इंसान कभी भी जिसके शुभ बृहस्पति होता है झूठ नहीं बोलता, उनकी सच्चाई के लिए वो प्रसिद्ध होता है, आंखों में चमक और चेहरे पे तेज होता है। अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखने वाले लोग इनके प्रशंसक होते हैं। ये लोग खुद भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं। बृहस्पति ग्रह की शांति के क्या उपाय हैं? बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए उनमें चीनी, केला, पीला कपड़ा, केसर, नमक, पीली मिठाइयाँ, हल्दी, पीले फूल और भोजन उत्तम कहा गया है, मतलब फैट वाला भोजन। हाँ, इस ग्रह की शांति के लिए
बृहस्पति से संबंधित रत्न का दान भी कर सकते हैं, जैसे टोपाज, येलो सफायर, ये भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा फल देता है। आपको ध्यान रखना चाहिए किस चीज का, कि दिन बृहस्पति हो और सुबह का समय हो। बृहस्पति का टाइम क्या होता है, सुबह 8:30 से 10:30 का बजे, ये परफेक्ट टाइम होता है जब आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। दान किसी जरूरतमंद को कीजिए, गरीब पुरोहित को कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना चाहिए। कमजोर बृहस्पति वाले को केला और पीले रंग की मिठाइयाँ खानी चाहिए। गरीबों को, पक्षियों को बांटनी भी चाहिए, खास तौर पे कौओं को खिलानी चाहिए। गरीबों को दही चावल खिलाना चाहिए। रविवार और थर्सडे के दिन छोड़कर सभी दिन पीपल के जड़ को जल से आपको सींचना चाहिए। गुरुवार को पुरोहित को, गुरु को, शिक्षक को, टीचर को, बृहस्पति का क्योंकि इनमें वास होता है, पढ़ाते हैं ना, तो इनकी सेवा करने से भी बृहस्पति के बैड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। केले का सेवन और अपने सोने वाले कमरे में केला रखने से बृहस्पति से जो लोग तंग है उन लोगों की कठिनाइयां बढ़ जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन बीमारी वाली दिक्कत हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा, ऐसे अवॉइड नहीं कीजिएगा, इलाज के साथ में उपाय करेंगे तो बेटर रहेगा। आपको पता है गुरु का प्रभाव हो तो अपने माता पिता, गुरुजन, अपने पिता, अपने बड़ों का सम्मान रखना चाहिए। जरूरी समय पर इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। मंदिर में या किसी भी धर्म स्थान पर सेवा करनी चाहिए, जैसे जूतों की सेवा कीजिए। किसी भी मंदिर या किसी भी मंदिर के सामने निकलने पर अपना सिर श्रद्धा से झुकाना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरी फीमेल या दूसरे मेल, मतलब अपनी शादी या शादी नहीं भी हुई तो आपको अनैतिक रिश्ते कभी भी नहीं रखने हैं, इनलेजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। वैसे तो कभी भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जुपिटर की महादशा और रख लिए तो खत्म समझिए। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के समान, मतलब उसके पास में गौघृत का दीपक जलाना, यानी कि गाय की घी का दीपक जलाना चाहिए। थर्सडे के दिन आटे के लोई में चने की दाल, गुड़ और पिसी हुई हल्दी डालकर गाय को खिलाना चाहिए। गुरु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए थर्सडे के दिन गुरु के नक्षत्र में उपाय कीजिए, वही शुभ समय होगा। 8:30 to 10 या गुरु का जिस समय ग्रह नक्षत्र हो उस दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप करते रहें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इसका जाप करते रहिए। आप करीब करीब 76,000 जाप करिए, करते रहिए। जब पूरा हो जाए तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा आपको मिल ही जाएगी। गुरु की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ के पास कभी भी गंदगी ना फैलाएं, और जब भी कभी मंदिर धर्म स्थान के सामने से गुजरे सिर झुकाएं, हाथ जोड़ें। आपको पता है पीपल के पेड़ को क्यों गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है? गुरु का क्या काम है? देना। वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखता। ठीक उसी तरह पीपल का काम भी है देना। पीपल का पेड़ आपसे कुछ नहीं मांगता और आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो जितनी पीपल की सेवा करेंगे उतना गुरु ग्रह मजबूत होगा। ग्रहों का हमारे जीवन पे कैसे असर पड़ता है वो तो उनसे बहुत दूर है, चलिए आपको बताती हूँ। क्या ऐसा कभी होता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और उनका फोन आ जाए, आपके साथ कोई बैठा हो और वो आपके मुंह की बात बोल दे और आपको लगे अरे ये बात तो अभी मेरे मन में थी? जब हम इंसान होकर हजारों किलोमीटर दूर इंसान की टेलीपैथी के जरिए उसके मन में वो हमको फोन करने वाला है, ये वाइब्रेशन पकड़ सकते हैं, तो ग्रह तो बहुत स्ट्रांग है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लैनेट्स इस समय जैसे चल रहे हैं ब्रह्मांड में हम पर असर डाल रहे हैं। जब तीन तरीके के लोग हैं जो बहुत ज्यादा सिचुएशन में फंस जाते हैं, एक वो लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उन पे भी नेगेटिव प्लैनेट्स का असर होता है। दूसरे लोग जो बहुत ही ज्यादा डरपोक होते हैं, हर समय फेयर फैक्टर में रहते हैं, उन पर भी नेगेटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और तीसरे लोग होते हैं जिनके कर्म गंदे होते हैं, क्योंकि जब हम गंदे कर्म करते हैं तो हम गिल्टी में होते हैं, और जब हम गिल्टी होते हैं तो हमारे ब्रेन के चिप में ये चीज डिकोड हो जाती है कि इस समय हमने कुछ गलत किया, और उसका रिजल्ट हमको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपकी इंटेंशन जैसी होगी प्लैनेट्स आप पे वैसा ही कर्म करेंगे, वैसा ही रिजल्ट देंगे। तो इतनी दूर सन है तब भी हमको रोशनी देता है, इतनी दूर मून है तब भी हम उसको देखते हैं, प्लेजेंट फील करते हैं, और समुद्र में रिएक्शंस देता है। तो सारे प्लैनेट्स, क्योंकि यूनिवर्स एक ही तरह से जुड़ा हुआ है, हम पर असर डालते हैं। लेकिन
क्योंकि हम कॉन्शियसनेस से बहुत अवेयर हैं, हम नेक्स्ट टू गॉड हैं, हमें गॉडली नेचर है, तो हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से प्लैनेट्स के बैड इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ, सिर्फ जानना ही नहीं उसको बदलना भी। आइए अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताते हैं। आपका कर्जा अगर नहीं उतर रहा है तो साल 2017 में आप अपना सारा कर्ज उतार सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि गुरुवार को कभी किसी को दान ना दें, ना ही कोई पैसे मांगने आए तो उसको पैसे दें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका गुरु ग्रह कमजोर होता जाएगा, इसलिए भूलकर भी किसी को वीरवार को पैसे ना दें, नहीं तो कर्जा उतारने की जगह बढ़ने लगेगा। वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का। आज के हमारे पहले दर्शक हैं सोनिया, जिन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। सोनिया अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, करियर के लिए थोड़ी सी चिंतित हैं। अच्छा रहेगा आपने क्वेश्चन को जितना हो सके प्रिसाइज रखें, क्योंकि और तो कुछ आप हाथ ही भेजते हैं, बट डिटेल्स और चेहरा तो नहीं भेजते, इसलिए बी प्रिसाइज। सोनिया एक काम कीजिए, अपने अंगूठे के यहाँ पर डेली इस पोर्शन पे, लेफ्ट हैंड के अंगूठे पे, इस पोर्शन पे थोड़ा सा आप नीला रंग रोज लगा लिया करें। इसको 57 डेज तक कंटिन्यू करें, देखिए आपका लक कैसे चमकता है। अपनी प्रॉब्लम्स को मुझ तक भेजने के लिए फेसबुक के जरिए मुझसे जुड़े, सास बहु फैमिली गुरु पर अपनी सारी प्रॉब्लम्स भेजें, शो देखते रहें, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपाद करना, ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण की कथा के बारे में हर हिंदू जानता है, हर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर हुई होगी। साल 2017 में आपके घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से आपको क्या लाभ होगा और इस पूजा की सही विधि विधान क्या है, आइए ये भी जान लीजिए। जो भी सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चक्री रखें, मतलब नट स्टूल रखें। इस चक्की के चारों पाए के पास केले के छोटे छोटे वृक्ष लगा दें। इस चक्की पर ठाकुर जी और श्री सत्यनारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करें, इसके बाद इंद्रादि, दश दीपाल की और साथ साथ पंच लोकपाल की, सीता सहित राम जी की, लक्ष्मण जी की, राधा कृष्ण की, इनकी पूजा के बाद ठाकुर जी और सत्यनारायण जी की पूजा करें, इसके बाद लक्ष्मी माता की और आखिर में महादेव और ब्रह्मा जी की आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद सभी देवों को आरती करें, चंदामृत लेकर प्रसाद बांटें, पुरोहित जी को दक्षिणा दें, जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। अगर आप खुद पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य पुरोहित से सहायता लेकर कराइए। गुरुवार के दिन आपको आपका कल्याण होगा। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, पर उससे पहले जानते हैं आज के हमारे दूसरे व्यूअर की प्रॉब्लम क्या है। आज के हमारे दूसरे व्यूअर हैं पूनम, इन्होंने अपने हाथ और हैंडराइटिंग का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती है मैरिड लाइफ कैसी होगी। इतनी चिंता नहीं करें, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। जब शादी होने लगे तो उससे पहले एक काम करें, अपने सारे पुराने जूते चप्पल जो आपको ससुराल में नहीं लेकर जाने हैं, उनको यहाँ पर किसी को दान कर जाएं। और एक काम और करें छोटा सा, अपने कमरे के साउथ वेस्ट में अपने और अपने हस्बैंड की फोटो को चिपका लें, मैरिड लाइफ परफेक्ट रहेगी। आपको भी मैरिड लाइफ अच्छी बनानी है तो फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु को सर्च करें, प्रॉब्लम भेजें और सॉल्यूशन के लिए शो देखते रहें। क्या ऐसी दुल्हन आपको भी चाहिए? परेशान न होइए, मिल जाएगी। आज गुरुवार के शुभ दिन आपसे एक और बात करना चाहती हूँ। आपने देखा गुरु ग्रह आपकी शादी भी करवाते हैं, तो क्यों ना आपकी शादी की बात कर ले। आपको आपके पसंद की लड़की ना मिले, लेकिन अगले साल ऐसी, मतलब इस साल तो ऐसा होना ही चाहिए, लास्ट ईयर नहीं भी मिली तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपके पास भी इतनी गुणों वाली, इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लड़की आपको मिल सकती है। सबसे पहले लड़कियों के हाथ पर नजर डालिए,
अगर बिल्कुल चिकनी बिना गांठ वाली सॉफ्ट उंगलियां हैं तो ऐसी फीमेल्स शादी के लिए सबसे उत्तम होती हैं। जिन फीमेल्स की उंगलियां छोटी होती हैं वो जरूरत से ज्यादा खर्चीली होती हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को जोड़ने पर यहाँ ऐसे करने पर जिनके यहाँ पर बीच में गैप दिखता है इसका मतलब उनका खर्चीला होना तय समझ लो। किसी महिला की हथेली के पीछे बाल हो तो थोड़ा संभल कर शादी कीजिएगा। बेबी ने तो आपको एंटरटेनमेंट की काफी चीजें बताई लेकिन राशि आपको बतानी है मैंने और उसमें आपको क्या करना है कल को बेहतर बनाने के लिए जान लीजिए। मेष राशि के लोग घर में कृष्ण जी की फोटो लगाएं। भाग्य मीटर 40%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य मीटर 72%। मिथुन राशि के लोग गंगा जल घर में छिड़कें। भाग्य मीटर 55%। कर्क राशि के लोग गरीबों को लड्डू दान करें। भाग्य मीटर 70%। सिंह राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य मीटर 49%। कन्या राशि के लोग खट्टी चीजों को खाने से बचें। भाग्य मीटर 76%। तुला राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। भाग्य मीटर 82%। वृश्चिक राशि के लोग पुजारी को कुछ पैसे दान में दें। भाग्य मीटर 79%। धनु राशि के लोग तुलसी के चार पत्ते खाएं। भाग्य मीटर 56%। मकर राशि के लोग सुबह उठकर सूर्य को जल दें। भाग्य मीटर 80%। कुंभ राशि के लोग घर के पौधों को पानी दें। भाग्य मीटर 56%। और मीन राशि के लोग पैसे ज्यादा खर्च ना करें। भाग्य मीटर 70%। कुंभ राशि के लोग घर के पौधों को पानी दें। भाग्य मीटर 56%। और मीन राशि के लोग पैसे ज्यादा खर्च ना करें। भाग्य मीटर 70%। आइए अपने तीसरे व्यूअर की तरफ रुख करते हैं। हमारे दर्शक अनीता जी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। इनकी परेशानी ये है कि ये अपना घर लेना चाहती हैं जो हो नहीं पा रहा है। एक काम करें, अपना घर अगर आप लेना चाहती हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में जिस एरिया में घर लेना चाहती हैं उसका मैप चिपका दीजिए और साउथ डायरेक्शन में उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो लगाए, झटपट आपका घर बनेगा। शो में अब आपको आज का आखिरी यानी कि पांचवा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या इस साल कोई ना कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो साल 2017 में अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए हल्दी की 7 साबुत गांठे, 7 गुड़ की डलियां, 1 रुपए का सिक्का किसी पीले कपड़े में वीरवार को बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक दें। फेंकते समय अपनी कामना बोलें, आपकी मनचाही इच्छा पूरी जरूर होगी। मैं तो कल भी आपका भाग्य जगाने वाली बातें करने वाली हूँ लेकिन जो बेबी है आखिर वो आपको कैसे एंटरटेन करने वाली है ये भी तो देखिए। आज मेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। क्योंकि शो ऑफ तो मैं करती नहीं लेकिन आज मेरी धन्नो पूरी तरह से तैयार है। माया नगरी की सैर आज बसंती आपको करवाएगी, वो भी मुफ्त में और अपने स्टाइल में, क्योंकि बरेली की बसंती को ज्यादा बोलने की तो आदत है नहीं। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा पहले? ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। इसीलिए बरेली की बसंती के साथ धीरे धीरे सैर की। तो आपकी अदाएं थी ना, मैं क्या कहीं से मोटी लग रही हूँ? हाँ क्या कहा, कहाँ से कहाँ से? ए धन्नो तू बहुत पिटेगी हमसे, तू ऐसे ही बकवास करती है। क्या कहा, हम आपको भी मोटे लग रहे हैं लेकिन रामगढ़ से बरेली तक तो सब हमारे फैन हैं। चलिए आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं लेकिन हम अब इनके जैसे फिगर करके ही मानेंगे। सुन रही है ना धन्नो, इनके जैसा फिगर करके ही मानेंगे।
नए साल की शुरुआत हो चुकी है और पिछले साल जिस तरीके से हमने आपको फिटनेस के कई सारे टिप्स दिए, कई सारे मंत्रास बताए, उसी तरीके से इस साल भी, अब क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ आफ्टर ऑल, तो हमारे साथ यश हैं, बहुत पॉपुलर एक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट। पिछले साल भी उन्होंने आपको टिप्स दिए थे और इस बार फिर से हाजिर है। यश, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। यश, हमारे कई सारे व्यूअर्स ने कहा कि वो जो है वो मतलब मोटापा एक ऐसी चीज है, कई सारे लोग स्लिम होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो उनका ये कहना है कि स्टार्स क्या करते हैं इस चीज के लिए, वो कैसे खुद को फिट करते हैं, कैसे स्लिम रखते हैं। अपने आप को फिट करने का जो सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है ना, कि आप अपने आप को फिट किचन से कर सकते हैं। एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी मांसपेशियां हैं, उसमें मूवमेंट होगा। क्योंकि आज के दौर में मोस्टली गैजेट फ्रीक हो गए हैं लोग। बच्चा होता है तो पहले निकल के हम खेला करते थे, 90s के बच्चों की बात करूं, एंड 2000 में जो आए आई थिंक सारे गैजेट फ्रीक हैं। आज के टाइम में आई थिंक हम खुद भी आउटडोर कुछ स्पोर्ट्स नहीं कर पाते हैं। लाइक पहले हो जाता था, क्रिकेट खेल लिया, कुछ भी कर लिया, थोड़ा भी हो जाता, बट इतने अभी गैजेट फ्रीक हो गए कि गैजेट के साथ ही मोबाइल में लगे रहते हैं, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं तो वो निकलना ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आप 15 से 20 मिनट दिन में निकालिए, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग हो, शाम हो, वर्कआउट का टाइमिंग एक सेट कर लीजिए जिसको आप फॉलो करिए। दूसरा, आपकी डाइट। कहा जाता है डाइट, डाइट का मतलब लोग कहते हैं कि खाना नहीं खाना है। डाइट का मतलब ये नहीं कि आपने खाना नहीं खाना है। डाइट का मतलब ये है कि आपको एक राइट फूड राइट टाइम पर राइट क्वांटिटी में खाना है, और वो आपका किचन ही आपको दे सकता है। कोई मैं आपको बोलूं ये चीज खाइए और आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ये लाइक शाम होने से पहले पहले आपने जितने हैवी कार्ब्स लेने हैं आप वो खा के खत्म करिए, क्योंकि रात को क्या होता है, हम खाना खा के मोस्टली सो जाते हैं, और सोने के बाद आपकी बॉडी में जो भी आपने खाया होता है वो जो एसिड्स होते हैं वो फैट में टर्न हो जाते हैं। मॉर्निंग में क्यों खाते हैं, क्यों बोलते हैं कि मॉर्निंग में आप जितना खाना खाइए, क्योंकि बॉडी अगर बॉडी के साथ साथ ब्रेन भी वर्क करता है, तो उससे क्या होता है जो भी खाया होता है डाइजेस्ट हो जाता है। रात को आप खाते हैं सो जाते हैं, इसलिए वो फैट में तब्दील होता है। तो कोशिश कीजिए अपना ये जो खाने का स्केड्यूल है ना, उसे ठीक कीजिए। यश, कई सारे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते इस वक्त, जैसे हम आपके सेट पर हैं, आप शूटिंग के बीच में से वक्त निकालकर हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए तो जाना चाहेंगे। अगर कुछ डेमो आप दिखा पाए कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कौन सी ऐसी चीजें करने से वो भी उस स्लिम और फिट जोन में आ सके। स्लिम और फिट जैसे मैंने बताया, आपको डाइट फॉलो करनी है, और बेसिकली आप वॉक कीजिए। खाना खाने के बाद एकदम से लेटिए मत, और 15 से 20 मिनट बाद जब आप खाना खा लेते हैं, डे डे टाइम में अगर आपको ग्रीन टी पसंद है तो ग्रीन टी पी लीजिए, बिना शुगर डाले। फ्लेवर ऑब्वियसली किसी किसी को पसंद नहीं है, बट हाँ 20 से 25 मिनट बाद आप थोड़ा सा ग्रीन टी लेंगे तो क्या है कि सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। और पानी दिन में ज्यादा पीजिए, कोशिश कीजिए कि रूम टेम्परेचर हो या थोड़ा वार्म करके पी सकते हैं, बॉडी डिटॉक्स होती है। रात को इस चीज को फॉलो ना करें, बिकॉज सोना होता है, एक पीसफुल स्लीप चाहिए होती है। पानी ज्यादा पियेंगे, ये सब करेंगे तो फिर बार बार लू आता है, आपको टॉयलेट जाना होता है, इस चीज को अवॉइड कीजिए। और थोड़ा सा क्या, मसल को टोन अप करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि यहाँ पर ये बेंच पड़ा है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, अगर कि घर पे भी हैं आप तो घर पे कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको। इसमें 3 पोजीशन होती है जो आपको फॉलो करने को होते हैं, ब्रॉड हैंड करके। आप देखिएगा मैं 3 पोजीशन करूंगा, उससे आपके तीनों मतलब बहुत सारे मसल्स हैं, इससे इफेक्ट आएगा। ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। बॉडी पोजीशन ये रहेगी और आपने बिल्कुल फील करना है इसको, यहां तक जाना। जब आप नीचे आते हैं ब्रीदिंग, ऊपर आते वक्त सांस बाहर की तरफ छोड़नी है। सेकेंड पोजिशन थोड़ा सा क्लोज करके, ये थर्ड पोजिशन बिल्कुल क्लोज करके। इसके बाद एक आप आर्म्स के लिए और ट्राइसेप्स के लिए कर सकते हैं। आराम से नीचे जाना और आपको अपने यहां से मसल से इसको स्क्वीज करके ऊपर की तरफ आना। ये बेसिकली जो मैंने आपको पुशअप किए हैं, ये इंक्लाइन पुशअप्स हैं। मोस्टली लोग होते हैं फ्लोर पे नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी इसमें बॉडी स्ट्रेंथ और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ताकि वैसे बोला जाता है कि सब कुछ खाइए लेकिन उतना वर्कआउट भी कीजिए, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको थोड़ा सा अगर अवॉइड किया जाए या लिमिटेशन में रखा जाए तो मोटापे की जो कंडीशन है वो नहीं आएगी? जैसे कि अगर आप वेजिटेरियंस हैं, अगर शाकाहारी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन जो मीट वगैरह जो चीजें होती हैं, आप कोशिश कीजिए कि लंच तक निपटा दीजिए, लंच में खा लीजिए, अवॉइड कीजिए शाम को खाना, बिकॉज मीट रात को खाना जो खाते हैं डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वेजिटेरियंस के लिए ऐसे ये सब चीजें होती, आलू हुए और कुछ भी इस तरीके की होती हैं जो कार्ब से रिलेटेड चीजें, कोशिश कीजिए कि रात को अवॉइड कीजिए। अगर आपको एक मोटो है, आपको एक
फोकस है, आपका एक गोल है कि आपको इतने टाइम में कम करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, बस फिट रहना है, तो सब कुछ खाइए, बट एक क्वांटिटी में खाइए। ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल पेट भर के खा लिया। थैंक यू सो मच इन नए साल के नए टिप्स के लिए, ताकि ये लोगों के लिए बहुत काम आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा खाइए, अच्छे रहिए, फिट रहिए। ऑल द बेस्ट। योगी चुटकी, हम तो आ गए, तुम कहाँ रह गई? हाँ हाँ पता है पता है, तुम खबरें लेने गई हो। योगी ज्यादा बात करने की तो आदत हमको है नहीं, तो जल्दी से बता दो। चाहे म्यूजिक शो के बारे में हमारी संवाददाता गीतम श्रीवास्तव से खास बातचीत की। इस वक्त मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रही हूँ जिनके कंपोज किए गए गानों पे हम सब बहुत ज्यादा, हमने पार्टी भी की है, हमने उसको बहुत पेस में सुना भी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, वो जितना अच्छा म्यूजिक कंपोज करते हैं उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं, एक्टर भी उतने अच्छे हैं और उतने ही हैंडसम भी हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ शेखर की। और शेखर आजकल कुछ खास बात कह रहे हैं। शेखर आपका दिल है हिंदुस्तानी। बिल्कुल, दिल है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल है हिंदुस्तानी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। और आजकल अगर अभी के दिनों की बात करें, बहुत सारे फेरिस्ट हैं, उसमें इंडियन आइडल भी है, वॉइस ऑफ इंडिया भी है और दिल है हिंदुस्तानी। आई एम श्योर आप हैं तो कुछ खास भी होगा, उसमें क्या खास है? नहीं, खास बात तो ये शो की है, इस फॉर्मेट की है कि बहुत ही अद्भुत शो है, बहुत यूनिक है, डिफरेंट है। बाहर देशों से जो सिंगर्स आ रहे हैं, रशियंस फ्रॉम ओमान, फ्रॉम न्यूयॉर्क, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, प्लस हमारे राजस्थान से फोक ग्रुप आ रहा है, पंजाब से आ रहे रैपर आ रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन, सोलो गा सकते हैं या ड्यूएट्स भी हो सकते हैं या क्वायर भी हो सकता है या ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स द वैरायटी ऑफ दिस शो। एंटरटेनिंग है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि आप एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, आपको बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई फॉरेनर आपका गाना गाता है, तब यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। तो वो गर्व वाली बात है, इसलिए दिल हिंदुस्तानी नाम रखा है। अरे ओ धन्नो, कहाँ रह गई? लगता है आज तेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं। बरेली की बसंती को लेट हो रहा है, रामगढ़ नहीं जाना क्या? कहीं गब्बर के लोगों की नजर पड़ गई तो दोबारा नाचना पड़ेगा। चल धन्नो, अरे बसंती तो अब चली, जय राम जी की। आज के लिए इतना ही, कल शुक्रवार है, माँ दुर्गा का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है, आपको माला माल बनाएंगे, आपको किस्मत वाले बनाएंगे। कल साल का पहला शुक्रवार है, माँ का दिन है, आप कैसे मिस कर सकते हैं। कल मिलूंगी, टाइम पे आइएगा, अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।